उसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये लीजिए मेरा कार्ड और 9:30 बजे आ जाना रोशनी। सर मैं पहुंच जाऊंगी। ओके। ओ यार कौन है साला सुबह ही सुबह सोने भी नहीं देते। ओफो यार कितना सोता है ये इंसान। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग बेबी। आई लव यू टू। अब अंदर चले। ओ यार कौन सी चक्की का आटा खाती हो। तुम्हारी चक्की का। Thank you.
डैड मैं जॉब पर जा रहा हूं। अच्छा बेटा जरूर जाओ। नाश्ता किया? हाँ डैड। अपनी दोनों बहनों से मिले? जी डैड। बेटा तुम ये तो जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। हाँ डैड। आज तुम्हारी अगर मां जिंदा होती ना तो वो मुझसे भी ज्यादा दुखी होती। तुम हमारे जिगर के टुकड़े हो बेटा। इस वक्त खुशी भी इस बात की है कि तुम जॉब पर जा रहे हो, लेकिन एक बाप होने के नाते मेरा दिल लेकिन काम तो करना ही है ना बेटा। जी डैड। बेटा मुझसे वादा करो कि तुम अपना काम सही तरीके से करोगे और किसी को नाराज नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं डैड, मैं अपना काम सही तरीके से करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा, और तुम्हें हम बहुत मिस करेंगे बेटा। लेकिन एक बात तो बताओ बेटा, तुम लौट कर कब आओगे? करीब 3 महीने में डैड। 3 महीना? 3 महीना कोई बात नहीं, लेकिन मन लगा के काम करना। ओके डैड। जाओ बेटा। हाँ जाओ। खुश रहो, खुश रहो मेरे बेटे। आप रोइए मत डैड, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। नहीं रो रहा बेटा। बाय डैड। बाय। पता है जान आज मैं इतना जल्दी क्यों आई हूँ? नो। कल जो तुम्हारा बर्थडे है ना, उसके लिए मुझे एक गिफ्ट भी तो लेना है। ओ नो यार, मुझे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं था कि कल मेरा बर्थडे है। मगर मैं तो ध्यान रखती हूँ ना। ओ फो रोशनी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो यार। ख्याल तो रखना पड़ेगा, आखिर होने वाले हस्बैंड जो हो। तो फिर चले? चलो। ओके। अरे चांदनी, तुम यहां? तो राज था। उफ, होने वाले जीजू, मैंने आके गलती कर दी, मुझे आना नहीं चाहिए था, है ना दी? उफ वो चांदनी, अब जाने भी दो यार। तो आजकल जीजू के कुछ ज्यादा ही सपने देखने लगी हैं। चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, तू यहाँ बैठ, मैं अभी नहा के आती हूँ। ओके दी, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। ओके बेबी। कहाँ जा रहे हो बेटे? शॉपिंग पे जा रहे हैं डैड। शॉपिंग के लिए जा रहे हो? जरूर जाओ, लेकिन जल्दी लौट कर आना। ओके डैड। बाय 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 मेरे बच्चों। बाय।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कम ऑन गाइस, हो जाए केक पैक। श्योर, व्हाई नॉट, डन। हाँ बिल्कुल, ओके डार्लिंग, ओके डन। कुछ भी हो यार राज, आज तो मजा ही आ गया। अच्छा तो फिर इसी बात पर हो जाए केक पैक और? अब नहीं यार, अभी तो मुझे घर भी पहुंचना है। हाँ जीजू, अब नहीं। हाँ यार राज, अब टाइम भी बहुत हो गया है, अब हमें घर निकलना चाहिए। एज यू लाइक। ठीक है जीजू, मैं अजय के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? रास्ते में 10 बार बाइक गिरेगी, जब जाके हम घर पहुंचेंगे। डार्लिंग, उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गई थी। अब चले। चलो ओके राज भाई, बहुत मस्ती की, थैंक्स अ लॉट। ओके ओके भाभी, सी अगेन, ध्यान से जाना। नो प्रॉब्लम। ठीक है दी, जीजू का ख्याल रखना। जरूर रखेंगे। हाँ एक बात कहनी थी। हाँ बता। राज भाई, आज केक काटना मत भूलना। चल ठीक है, जरूर कटेगा। क्यों डालिंग, चलें? अब चलें? कहाँ? केक काटने। चलो। तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। तेरे बिना मेरी जान, तेरे बिना मेरी जान जीना दुश्वार है। तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, मुझे प्यार है। प्यार है तुमसे प्यार है।
में बस जाने को तुझको पाने को दिल में बसाने को दिल बस चाहे ये तुझ में बस जाने को मेरा यार है तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है तेरे बिना मेरी जान तेरे बिना मेरी जान जीना दुश्वार है तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है मुझे प्यार है डार्लिंग डार्लिंग उठो देखो सुबह हो गई है उठो ना ओफो रोशनी तुम सोने भी नहीं देती है यार अच्छा तो तुम ऐसे नहीं उठोगे रुको अभी बताती हूँ ओफो रोशनी तुम बिल्कुल भी नहीं सोने देती गुड मॉर्निंग डार्लिंग गुड मॉर्निंग चलो अब उठो पहले उठ तो जाओ ऊपर से मैं उठ तो जाऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है हाँ बताओ मुझे एक प्यारी सी किसी देनी पड़ेगी थोड़ा सीधा तो होने दो मुझे ओके चलो अब किसी दो हेलो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर आप फिल्म प्रोडक्शन से बोल रहे हैं जी बोलिए सर मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ योर नेम सर माय नेम इज रोशनी हाइट 5.4 कलर फेयर देखिए रोशनी जी आप एक एक्ट्रेस बन सकती हैं और जो कुछ इस लाइन में सक्सेस होने के लिए चाहिए वो आप में है इसके लिए आपको प्रोडक्शन हाउस आना होगा शो सर मैं जरूर आऊंगी थैंक यू थैंक यू बिटिया मेरी चाय बहुत अच्छी बनाती आह भाई वाह अरे हेलो हाँ राजपाल हाँ हाँ बोलो 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 क्या हाल चाल है भाई खुशी की बात है क्या क्या अच्छा बेटी वकील बन गई
भाई तुमने अपने ख्वाब पूरे कर लिए यार। तुम मुझसे बोला करते थे कि मैं अपनी बेटी को वकील बनाऊंगा और तुमने बना दिया उसे। यू आर वेरी लकी फादर। अच्छा फिर आऊंगा तेरे घर पर तभी बात करेंगे पूरी तरह, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं। हाँ हाँ बात करते हैं। ओके ओके ओके। देखो इसको बोलते हैं बाप, आखिर बेटी को वकील बना ही दिया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो बैठो। अरे बेटा आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों डैड? अरे बेटा राजपाल की बेटी वकील बन गई। अरे हाँ वो हमेशा बोलता था कि अपनी बेटी को वकील बनाऊंगा और बना दिया और वो बन भी गई। मुझे बहुत खुशी है और मैं उसके घर पे चाय पीने जाऊंगा और उसे आशीर्वाद भी दूंगा। बेटा एक बात बता। क्या? अभी ये राजपाल की बात सुन के एक बात मेरे दिल में आई। बेटी मैं तुझे वकील बनाना चाहता हूं, बस मेरी ये दिल की तमन्ना है बेटी, वकील। डैड। हाँ डैड। वो बोलो बोलो। अरे बेटी मैं तुम्हारा बाप जरूर, लेकिन हम लोग फ्रेंड भी है ना, कोई अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ। क्या बात है? तुम्हारी पर्सनल कोई लाइफ की बात है तो बताओ और मैं सुनने को तैयार हूँ। वो डैड मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। बाप से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? वो डैड आज न्यूज़पेपर में एक एड आया है। एड आया है तो क्या फर्क पड़ता है? एड तो आता रहता है न्यूज़पेपर में, हम भी पढ़ते हैं एड। उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्यों नहीं बोल पा रहे हो ठीक तरह से? बोलो। वो डैड वो एक एक्ट्रेस बनने के लिए आया है। बहुत अच्छी बात है। जितने भी फ्रॉड चीटर लोग हैं अखबार में ही ऐड देते हैं, एक्ट्रेस बनने की लड़कियों को बर्बाद करते हैं, लड़कियों को बॉम्बे बुलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सही है एक्ट्रेस, तभी तो लड़कियों को मालूम पड़ेगा भाई कि बम्बई में एक्ट्रेस बन सकती हैं, यहाँ से लड़कियां जाएंगी शरीफ, वहां जो है क्या क्या हालत होगी। अच्छा है देते हैं वो एड तो तुम्हें। तुम क्यों परेशान हो रही हो बिटिया? तुम क्यों परेशान हो ये एड देख के? तुम क्यों परेशान हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? बोलो क्या बात है? मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। क्या तुम और एक्ट्रेस बनना चाहती हो? एक्ट्रेस बनना है मतलब हीरोइन बनना है? तुझे वकील बनना है बेटा, वकील बनना है, एक्ट्रेस नहीं। क्यों डैड? क्या मैं एक्ट्रेस नहीं बन सकती? क्यों नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, शक्ल से हीरोइन लगती हो, एक्ट्रेस लगती हो, क्यों नहीं बन सकती हो? लेकिन मैं नहीं बना सकता, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा बाप हूँ। एक बाप अपनी बेटी को नर्क में कैसे भेज सकता है? वो नर्क है, फिल्म इंडस्ट्री एक नर्क है, नर्क। नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डैड तुम्हें कैसे मालूम नहीं होगा? नहीं डैड नहीं होगा। कैसे मालूम है? कौन है वो आदमी? डैड मैंने खुद बात की है उनसे। अरे बात करना अलग बात है बेटा, बम्बई जाना अलग बात है, है? अरे बात करने के लिए तो वो चुपड़ी चुपड़ी बातें करते ही है डायरेक्टर प्रोड्यूसर, लड़कियों को फंसाते हैं। डैड मुझे एक्ट्रेस बनना। नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। रोशनी कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें कभी एक्ट्रेस बनने के लिए नहीं अलाउ कर सकता। डैड प्लीज। डैड ये मेरा ड्रीम है। डैड शट अप। नहीं डैड शट अप नॉनसेंस। मुंह मत दिखाना मुझे। डैड प्लीज। अगर तुमने जिद की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, मरा हुआ। ऐसा मत। मैं जिंदा नहीं रह सकता। डैड प्लीज। डैड शट अप। शट अप। डैड शट अप। Nonsense. हीरोइन बनेगी। डैड डैड सुनिए डैड, डैड मुझे एक्ट्रेस बनना है प्लीज डैड। दीदी प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज। दी आप रो मत। तू जा यहां से। आप रो मत। डैड को मैं मना लूंगी। डैड आपको जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। जाने देंगे? आप मुझ पे भरोसा करते हो ना दी? डैड आपको जाने देंगे? आप जाओगे, आप एक्ट्रेस बनोगी। तुझे पता है चांदनी, आज आज अगर हमारी माँ जिंदा होती तो तू फट से हाँ कर देती। वो
वो मेरे सपने पूरे होने से कभी नहीं रोकती चांदनी। दी, आपका ड्रीम पूरा होगा। डैड आपको जाने देंगे, मैं डैड को मनाऊंगी। आप प्लीज रो मत। नहीं चांदनी, वो नहीं मानेंगे। मानेंगे, आप मुझ पे भरोसा करते हो ना। मैं डैड को मनाऊंगी, वो मानेंगे। आप रो मत। दी, खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना है चांदनी। कब तक नहीं खाओगे दी, आखिर तो खाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं खाना है। प्लीज दी, थोड़ा सा खा लो। चांदनी, मुझे खाना नहीं खाना है। जाओ तुम यहां से। दी, दी, खाना खा लो प्लीज। मुझे नहीं खाना है चांदनी। दी, थोड़ा सा खा लो। चांदनी, मुझे खाना नहीं खाना है। और अब अगर तू खाना लेकर आई ना, तो मैं तुझे चाटा मार दूंगी। जा तू यहां से। डैड, 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 मेरी बात तो सुनिए प्लीज। डैड, डैड, दीदी को जाने दीजिए। तुम क्या सोचकर उसे सपोर्ट कर रही हो? डैड, दी एक्ट्रेस बन सकती है, उसके अंदर वो सब कुछ है। और डैड, आप पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात नहीं टालेंगे। मैं मानता हूं, वो एक्ट्रेस बन सकती है, हीरोइन बन सकती है, लगती है, मेरी बेटी है, हीरोइन लगती है वो। लेकिन बेटा, लगना और होने में बहुत फर्क है। बंबई को मैं जानता हूं, वहां के लोगों को मैं जानता हूं। बेटे, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं डैड, आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं ना? बिल्कुल बेटा। हाँ तो बस, आप दी को जाने दो। दी को मत रोको डैड। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रोशनी का वहां जाना जरूरी है, वो कुछ बन सकती है, मेरा आशीर्वाद है, दुआएं हैं, वो बने, खानदान का नाम रोशन करे। लेकिन बेटा, एक बात है, उसे मेरी तरफ से बोलना कि मुझे कम से कम वो फोन कर लिया करे। वहां जहां पर, वहां जाकर लोग फोन करना भी नहीं चाहते अपने माँ बाप को। बेटा, ये जरूर बोल देना उसको, मुझे फोन कर लिया करे, मैं उससे बहुत मिस करूंगा। हाँ डैड, वो बिल्कुल फोन करेगी। ठीक है बेटा, तो उसे कह दो कि वो कल सुबह जाने की तैयारी कर ले। मेरी तरफ से आज्ञा है, उसको आशीर्वाद है। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच डैड। खुश रहो बेटी, खुश रहो, बोल दो उसे सुबह जाने की तैयारी करे। थैंक यू डैड, मैं दी को बता के आती हूँ। जरूर बताओ। बाय डैड। बाय बाय, गुड लक।
हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा कर, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, उसके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मुझे वो शक्ति दो भगवान। दी, अब ये गुस्सा छोड़ो और सुबह जाने की तैयारी करो, क्योंकि डैड ने जाने के लिए हाँ बोल दिया है। सच? हाँ सच्ची? यस, थैंक यू चांदनी। अच्छा चलो अब खाना खाओ चल के। चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग बेबी। तुम कहाँ पर हो? मैं घर पे ही हूँ। अच्छा, तो मैं आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो तो मैं वहीं आके बताऊंगी। ओके। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो दी? आपको जाने की तैयारी भी तो करनी है। मैं बस अभी आती हूँ, तब तक तू जाने की तैयारी कर। ओके बाय। बाय। ओफो रोशनी, छोड़ो यार। इतनी सुबह और मिलना? क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? एक्ट्रेस बनना चाहती हो? तुम्हें पता है ना एक्ट्रेस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? प्लीज प्लीज राज, प्लीज मना मत करो। तुम्हें मेरे प्यार की कसम। ठीक है, मैं जाने के लिए तो बोल दूं, मगर तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार। सुनो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगी। ओके, आई लव यू। लव यू टू बेबी। दी, गाड़ी आ गई, चलो। बस दो मिनट, बैग पैक कर लूं, फिर आती हूँ। ठीक है, बाहर आ जाना, हम वेट कर रहे हैं। ओके। चांदनी। जी डैड। बेटा कितना और टाइम लगेगा? बस डैड, आ रही है दी। बेटा जल्दी करवाओ। ओके डैड। डैड, थैंक यू डैड। ओके बेटा, बैठो। चांदनी, चले बेटा? हाँ डैड। चलो ड्राइवर।
कॉफी। ये लीजिए, थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ सर, मैं रोशनी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, कहाँ हो? सर आपने जो एड्रेस दिया था मैं वहीं खड़ी हूँ। ठीक है, आप वहीं रुको, मैं लड़का भेजता हूँ। थैंक यू। मनु, मनु। जी सर। नीचे एक लड़की आई हुई है, उसे जाकर ले आओ। यस सर। ये फोन ले जाओ, उसे कॉल कर। ओके सर। आप रोशनी मैडम? यस। चलिए। आइए मैडम। गुड मॉर्निंग सर। आओ रोशनी जी, बैठो। थैंक यू। हाँ तो रोशनी जी, आपको सफर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो सर। डॉक्यूमेंट्स लाई हैं? यस सर। वेरी स्मार्ट सर। वैसे एक्ट्रेस बनने के लिए कोई कोर्स करना जरूरी होता है क्या? आप बेफिक्र रहें, हमारे रहते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा एक बात सुनिएगा। हाँ सर, बताइए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कामयाबी के शिखर तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या कॉम्प्रोमाइज? सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकती। तो आप जा सकती हैं, वैसे भी आपका बॉलीवुड में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है सर, मैं चली ही जाती हूं। यस
बैठो। हाँ तो रोशनी जी, वापस कैसे लौट कर आना? सर, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। ओह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ठीक 9:30 पहुंच जा। ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊंगी। मनु। यस सर। मैडम को रूम दिखाओ। जी सर, चलिए। ओके सर, मैं चलती हूँ। मैडम, ये आपका रूम है। थैंक्स, अच्छा है। मैडम, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। बिल्कुल, थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। ठीक है। चांदनी, मैं यहाँ करीब 10:30 पहुंच गई। और दी, सफर कैसा रहा? एकदम फर्स्ट क्लास। और दी, सर का नेचर कैसा है? ओ शिट, यार चांदनी, मैं तो भूल ही गई, मुझे मीटिंग के लिए जाना था। चल रखती हूँ मैं ना, बाय बाय। यहाँ जाना है भैया। 200 रुपए लगेंगे। ठीक है भैया। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो सर, एक्चुअली मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था तो इसीलिए मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, अंदर आइए। बैठिए। रोशनी जी, यहाँ आइए, इधर आइए मेरे पास।
लीजिए। नहीं सर, मैं ड्रिंक नहीं करती। देखिए ऐसे कैसे बात जमेगी, लीजिए। ओके सर, आप कहते हैं तो ले लेती हूँ। पीजिए। चीयर्स। सर, अब एक्ट्रेस नहीं बनी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं रोशनी जी आप? नहीं सर, मैं अपनी इज्जत आपके हवाले कर रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। स्टार नहीं, सुपरस्टार बनोगी और मैं खुद बनाऊंगा। थैंक यू सर। मैं कम इन सर? यस, आओ। हेलो। और कैसी हैं आप? फाइन। बैठो। ओके। यार मैं ये सोच रहा था कि इतनी जबरदस्त हिट फिल्म बनाई जाए कि हंगामा हो जाए। बिल्कुल सर। बस तुम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। हाँ। ठीक है ना? जरूर सर। बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैंने बड़ी बड़ी हीरोइन बनाई है। ओह, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बैठिए। अच्छा तो सूरज जी, आपने हमारी मूवी के लिए हीरोइन फाइनल की या नहीं? सर सर, हमारी मूवी की नई हीरोइन, नई मूवी की जबरदस्त नई हीरोइन रोशनी जी, हमारी फिल्म की नई, फिल्म की नई हीरोइन रोशनी जी, स्माइल। आहा सर आहा, मजा आ गया सर, मजा आ गया। फ्रेम में देखिए सर, फिल्म सीधी 500 करोड़ के क्लब में जाएगी सर। सुपर सुपर सर, मजा आ जाएगा सर। अच्छा तो आपने कभी एक्टिंग की है? नो सर, फ्रेशर हूं। रोशनी जी, इस लाइन में लड़कियों के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अगर वो चाहें तो। वो कैसे सर? रोशनी, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन सर, अगर मैं कॉम्प्रोमाइज ना करूं तो? रोशनी जी, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी तो जैसे आप आई हैं वैसे ही आपको वापस जाना होगा। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो मजाक कर रही थी। आई एम रेडी। ठीक है रोशनी जी, ये मेरा कार्ड है, ठीक 9:30 बजे पहुंच जाना। श्योर सर, मैं आ जाऊंगी।
The number you are calling is switched off. Please call again later. हेलो डार्लिंग, कैसे हो? रोशनी, तुम्हें तो पता है ना, मेरा तुम्हारे बिना एक एक पल करना मुश्किल हो गया है। ओफो, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, 9 बज गए, मुझे मीटिंग में जाना है। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ओके, लव यू। लव यू टू डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटे। क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बेटा तुम्हारी याद आ रही थी। ओफो डैड, आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हो। अच्छा बेटे, तुम घर कब आ रहे हो? तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस रही हैं मेरी। आप टेंशन मत लो डैड, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा डैड, चांदनी कहाँ है? चांदनी कॉलेज गई है, शाम को बात कर लेना। ओके डैड, बाय। गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ सर, बोलिए। एक काम करो, रोशनी को बुलाकर उसे रिहर्सल करवाओ। ठीक है, मैं रोशनी को फोन करता हूँ, उसे ऑफिस बुलाता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, कहाँ हो रोशनी? सर मैं तो अपने रूम पर हूँ। अच्छा एक काम करो। सर बोलिए। ऑफिस आ जाओ। जी सर, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मैं आई कम इन सर। यस, आओ सोनू, बैठो। जी थैंक यू सर। हाँ तो सोनू, तुम्हारा शूट कैसा चल रहा है? सर एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। चलो फर्स्ट क्लास ही चलना चाहिए। अच्छा सर, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया था? देखो सोनू, एक लड़की है रोशनी। जी
उसे रिहर्सल करानी है। ओके सर। और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे रिहर्सल कराओ। वैसे मैंने उसे फोन किया और वो आती होगी। ठीक है सर, करा दूंगा। मैं कम इन सर? यस। आओ रोशनी। हेलो सर। बैठो। थैंक यू सर। रोशनी तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, अभी अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। अच्छा सर। अच्छा रोशनी, ये है सोनू। हेलो। हेलो। यही तुम्हें रिहर्सल कराएंगे। सोनू। यस सर। इन्हें प्रैक्टिस रूम ले जाओ। ठीक है सर। बैठिए रोशनी जी। थैंक यू सर। अच्छा रोशनी, मैं तुम्हें एक डायलॉग देता हूँ, उसे 5 मिनट में क्लियर करके देता हूँ। ओके सर। अच्छा एक काम कीजिए, वहाँ ऑफिस पे जाइए, वहाँ एक डायलॉग लिस्ट है, उसे लेके आइए। जी सर। सर ये लीजिए। लाइए। Have a seat. Okay, thanks. हाँ रोशनी। तुम्हारा डायलॉग ये है, तुम इसे रेडी करके बताओ। सर आई एम रेडी। ओके चलो शुरू करते हैं। ये गरजते हुए बादल, ये खुशबूदार हवाएं, बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें, अगर आज तुम चले गए तो ये हसीन रात बुरा मान जाएगी, और तुम्हारे दिल की धड़कनें ये बता रही है कि तुम भी मेरी बाहों में आने के लिए बेताब हो। आओ राहुल, मेरे करीब आओ, मुझे मत रोकना, मत रोकना, मत रोकना। अरे ऐसे नहीं यार, ये गरजते हुए बादल और ये खुशबूदार हवाएं और ये बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें, अगर आज तुम चली गई रोशनी तो ये हसीन रात बुरा मान जाएगी रोशनी, और तुम्हारे दिल की धड़कनें भी बता रही हैं रोशनी कि तुम भी मेरी बाहों में आने के लिए बेताब हो। क्यों ना आज हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। रोशनी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये लीजिए मेरा कार्ड, और 9:30 बजे आ जाना रोशनी। सर मैं पहुंच जाऊंगी। हेलो। हाँ जान बोलो। रोशनी अब तो तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया यार, अब नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। जान मैं भी तुम्हारे बिना मछली की तरह तड़प रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसे अपने करियर को बीच में छोड़ के भी तो नहीं आ सकती ना। आई एम सॉरी जान। देखो रोशनी, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद या तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अपनी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे साथ गुजारूंगा। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं वैसा ही करूंगा। बस बस एक बार लौट आओ प्लीज रोशनी, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ क्या? ऐसा कोई पल नहीं कि मैं तुम्हें याद ना करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, मुझे तो अपना एड्रेस दो, मैं वहीं पहुंचता हूं। नहीं तुम कहीं मत आओ। मगर क्यों यार? क्योंकि मैं खुद ही बहुत जल्द आ रही हूं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है
मैं इंतजार करूंगा। लव यू जान, आप बहुत अच्छे हो। आई लव यू टू। बाय। ओके बाय। सर मैं अपने रूम पर जा रही हूँ। ओफो रोशनी, सुबह निकल जाना, टाइम बहुत हो गया है। नहीं सर, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपकी मर्जी। ओके सर, मैं चलती हूँ, है ना। ओके, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। बाय। मॉर्निंग सर। हेलो सारिक जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मस्त। आइए। थैंक यू। और बताइए सर, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं सारिक जी, आपकी नई फिल्म की हीरोइन को तैयार कर रहे हैं। किसको साइन किया है? एक नई लड़की है मगर है बहुत अच्छी। देखते हैं हमारी फिल्म की कैसी हीरोइन है। मे आई कम इन सर? आओ आओ रोशनी। हेलो सर। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बेटर रोशनी। थैंक यू सर। रोशनी जी, ये है शारिक पासा। हेलो सर। ओके। इन्हें तो आप जानती हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, इन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है। सर मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। शारिक जी, अब आप रिहर्सल में देख लें कि ये आपके साथ काम कर पाएंगी या नहीं। या श्योर, प्लीज कम इन। चलिए सर। आता हूँ सर। रोशनी जी, हैव अ सीट। थैंक यू सर। एक बात कहनी है मुझे। हाँ सर बताइए। रोशनी जी, एक बात बोलूं? आप ये जानती हैं मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। बिल्कुल सर। और आप एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये तो आप सही कह रहे हैं। और आप ये भी जानती होंगी कि कोई भी स्टार ये नहीं चाहेगा कि उसकी मूवी फ्लॉप हो। बिल्कुल सर, कोई नहीं चाहेगा। और मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी मूवी फ्लॉप हो। सर मैं कुछ समझी नहीं। देखिए रोशनी जी, अगर आप मेरी मूवी में काम करोगे तो डेफिनेटली मेरी मूवी फ्लॉप होगी, यू नो। तो सर आप चाहते हैं मैं ये मूवी छोड़ दूं? या मैं ये चाहता हूं कि आप ये मूवी छोड़ दो। प्लीज सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं सर। सर अगर आपने मुझे इस मूवी से निकाल दिया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। सर प्लीज प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। लिसन, एक काम करता हूं, ये मूवी मैं छोड़ देता हूं, ओके? सर अगर कोई प्राइवेट बात हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। श्योर? यस सर। दिस इज माय कार्ड। ठीक 9:30 इस एड्रेस पर आइए। सर ये बात आप मुझसे पहले ही कह देते तो मैं इतना परेशान नहीं होती। अब बोल दिया ना, हैं? ओके
आई विल फिट। रोशनी जी आप प्लीज कम। चलिए। कहाँ चले सर? जन्नत में। जन्नत तो आपके सामने है। सर, वैसे इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे एक बात पूछूं। या सर, आप इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बने? छोड़ो यार, कुछ नहीं। प्लीज सर बताइए ना, प्लीज। तो फिर सुनो, जिस प्रोडक्शन में आज हम काम कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले उस प्रोडक्शन में फीमेल डायरेक्टर प्रीति काम करती थी। मैं भी तुम्हारी तरह एक फिल्म का ऑडिशन देने के लिए उसके ऑफिस पहुंचा। उसने मेरा ऑडिशन लिया, फिर उसने मुझे कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला और मैंने उसे कॉम्प्रोमाइज के लिए हाँ कर दिया। उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और मैं उसे एड्रेस पर पहुंचा और बेल बजाई। उसने दरवाजा खोला और मुझे वो अंदर ले गई। ओके। यहाँ आइए। जी। शारिक जी। जी। आप बहुत स्मार्ट हो। जब मैंने आपको पहली बार देखा था, मैं आप पे फिदा हो गई। सर, मैंने तो सोचा था कि सिर्फ मैंने ही कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन आपने भी। हाँ रोशनी जी। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। काफी रात हो गई, सुबह निकल जाना तुम। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। श्योर? यस सर। ओके, बाय सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। गुड नाइट। ठीक है। फिर भी तेरे
जान दी है तू तेरे बिना मुझको चलना नहीं आता। जैसे बरगद परिंदे को ज्यादा उड़ना नहीं आता। जान दी है तू तेरे बिना मुझको चलना नहीं आता। जैसे बरगद परिंदे को ज्यादा उड़ना नहीं आता। याद तेरी मेरे दिल को सांप बन के खा जाती छोटू उधर लेके जा। एक मिनट में सेंटर लेता हूं। ठीक ठीक है सर। छोटू सेंटर ले। सर आई एम रेडी। मेकअप मैन। यस सर। कम हियर। आया सर। बोलिए सर। शारिक जी का मेकअप हो गया? जी सर। तो तुम एक काम करो, रोशनी जी का मेकअप करके उन्हें तैयार करो, जा। यस सर। हाँ जी बताइए। सर ने मेकअप के लिए भेजा है। आइए। बैठिए सर। थैंक यू। कपड़े उतारिए मैडम। बिना उतारे नहीं हो सकता क्या? अरे मैम साहब, बिना कपड़े उतारे हो नहीं सकता, अंदर तक लगाना पड़ता है, मेरे को मालूम है। लगता है उतारने ही पड़ेंगे। जल्दी कीजिए, और आर्टिस्टों को भी लगाना है मुझे। क्या? अरे मेकअप करना है मेरे को, और क्या है। समझ गई। अब तो हो जाएगा ना?
हाँ अब तो हो जाएगा। तुम्हें मुझे इन गंदे हाथों से छूने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज राज, मेरी एक बात सुन लो प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए नहीं रोया? तुमने कभी सोचा कि राजीव ने कुछ खाया होगा, कुछ पिया होगा? आई एम सॉरी, आई लव यू। आई लव यू टू। कडेट सर, इस सीन में मजा नहीं आया, ऐसा करते हैं दोबारा लेते हैं। ठीक है दोबारा लेते हैं। ठीक है सर। रोशनी जी। यस सर। एक टेक और लेते हैं। हाँ सर रेडी। ठीक है रोलिंग सर। एक्शन। तुम्हें मुझे इन गंदे हाथों से छूने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज राजीव, प्लीज मेरी एक बात सुन लो। मुझे तुम्हारी अब कोई बकवास नहीं सुननी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं बहुत प्यार करती हूँ। कडेट। अरे रोशनी जी, आपके एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, दोबारा से कीजिए। यस सर। ओके ओके। रोलिंग सर। एक्शन। तुम्हें मुझे इन गंदे हाथों से छूने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज राजीव, प्लीज मेरी एक बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुमने कभी फोन किया मुझे? राजीव ने खाना खाया नहीं खाया कभी नहीं किया तुमने, कभी नहीं किया। आई एम सॉरी राजीव, आई लव यू। कट। ओफो रोशनी, तुम्हारे डायलॉग बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऐसा करते हैं सर, दोबारा से लेते हैं। सुमित, एक काम करते हैं, पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। सर ऐसा करते हैं, मैं रोशनी को तब तक समझा के आता हूँ। ठीक है रोशनी जी। यस सर। आप सुमित के साथ चली जाएं। ओके सर। हाँ ले जाओ, समझाओ इनको। आइए रोशनी मेरे साथ चलिए। साला गया। चल। आइए रोशनी जी। बैठिए। थैंक यू सर। सर वैसे क्या प्रॉब्लम है, सीन ओके क्यों नहीं हो रहा है? देखिए रोशनी जी, जब तक आप पूरी तरह से एक्टिंग नहीं करेंगी तब तक सीन ओके नहीं होगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपना 100% दे रही हूँ। रोशनी जी, जब तक हम सीन को फाइनल नहीं करेंगे तब तक सीन ओके नहीं होगा। सर तो फिर आप ओके कैसे करेंगे? रोशनी जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैंने बहुत कुछ खोया है सर। मैं समझ गई आप क्या चाहते हैं। इन गंदे हाथों से तुम्हें छूने की जरूरत नहीं। प्लीज राजीव, प्लीज मेरी एक बात तो सुन लो। मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी प्रिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं बहुत प्यार करती हूँ राजीव, बहुत। तुम्हें क्या लगता मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुमने कभी फोन किया मुझे? राजीव ने खाना खाया नहीं खाया कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आई एम सॉरी राजीव, आई लव यू। Cut it. Okay. Very good. Thank you, sir.
हेलो हेलो, मैं डायरेक्टर कपूर बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्कार सर, आपका नाम बहुत सुना है पर आपसे कभी मिली नहीं। रोशनी जी, आपके लिए हॉरर मूवी है, अगर आप करना चाहें तो बताइए। सर वैसे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिला? मुझे आपका नंबर सूरज जी से मिला था और कुछ पिक्स भी उन्होंने मुझे सेंड की थी। सर वैसे शूट कब से लग रहा है? नेक्स्ट मंथ से शूट स्टार्ट है। ठीक है सर, कल की मीटिंग फिक्स करते हैं। ठीक है। ओके सर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। देख यार, ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ यार, ये तो अपने कॉलेज की लड़की रोशनी है। सही कहा, मगर बॉलीवुड सुपरस्टार सारिक पासा के साथ? ये तो उसका लक है। सही कहा, हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि हमारे शहर की लड़की आज सुपरस्टार बन गई। इस मूवी का शो देख के ही चलेंगे। सही कहा, मैं गाड़ी साइड से लगा दूँ। ओके। चल भाई, अब तू टिकट ले ले। ठीक है। अरे रोशनी की फोटो, मेरी बेटी। एक और स्टार का उदय, रोशनी वर्मा सुपरस्टार सारिक पाशा के साथ। बॉलीवुड बैड लव बैड डेथ फिल्म ने 2 दिन में 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अभी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर 300 से 400 करोड़ के बीच बिजनेस कर सकती है। अरे वाह भगवान वाह, और रोशनी वर्मा को कई सारी फिल्म मिल गई हैं। हे भगवान, तेरी माया अपरंपार मेरी बेटी को स्टार बना दिया, सुपरस्टार। इतनी बिजी कर दिया तूने, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी सुपरस्टार हो गई, क्या करूं क्या करूं। हाँ चांदनी, पवन, अरे जल्दी बाहर आओ बेटा, जल्दी आओ, देखो हमारी रोशनी स्टार बन गई, सुपरस्टार। मेरी बेटी सुपरस्टार, वाह भाई वाह। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे हमारी बेटी रोशनी सुपरस्टार बन गई, देखो अखबार में फोटो लाओ। आया मुझे दिखा। फोटो आया है बेटा, देख डैड, रोशनी की मूवी ने 2 दिन में 50 करोड़ का बिजनेस किया है। वही तो हम कह रहे थे भैया, दी तो पहली मूवी से ही सुपरस्टार बन गई। हाँ हाँ बेटा, बहुत बड़ी स्टार हो गई है, बहुत बड़ी स्टार हो गई है। डैड आज शाम को रोशनी की मूवी देखने चलते। हाँ बेटा, आज शाम को मूवी देखेंगे और वहीं पर खाना खाएंगे, गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी से आएंगे, हैं? तैयार हो जाओ। ओके डैड। हेलो हेलो दी, कैसी हो? मैं मस्त हूँ, तू कैसी है मेरी क्यूट क्यूट सिस्टर? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त हूँ दीदी। अच्छा ये बता, अजय कहाँ है? भैया बाहर गए हैं, आप घर कब आ रही हो? मुझे 4-5 दिन लग जाएंगे। ओफो दी, 4-5 दिन तो बहुत होते हैं, तुम जानती हो ना तुम्हारे बिना डैड कितने परेशान रहते हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी आने का ट्राई करूंगी। ओके बाय बाय।
हेलो, हाँ सर बोलिए। हाउ आर यू? आई एम फाइन, और बताइए क्या चल रहा है? ऑफिस आइए फिर बताते हैं। ठीक है सर, मैं अभी पहुंचती हूँ। ओके। हाँ तो रोशनी जी, बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? आपकी पहली मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, और अब तो मूवीज के इतने सारे ऑफर्स आने लगे हैं कि मैं ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी और किसकी मूवी साइन करूँ। थैंक यू। हाँ तो रोशनी जी, बताइए आपको इस लाइन में आने के लिए किस किसने सपोर्ट किया? मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, अगर आज मेरे डैड और मेरी सिस्टर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज इस स्टेज पे नहीं पहुंच पाती। वाह रोशनी वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेटा, दिल खुश कर दिया। थैंक यू। रोशनी जी, मुझे लगता है आपको बड़ी आसानी से कामयाबी मिल गई है, आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगी आप? जी आपको ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली मैंने तन मन धन से बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाकर मुझे ये सक्सेस मिली है। थैंक यू। शारिक जी, आपको कैसा लगा जब आपने रोशनी जी के साथ मूवी की? देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम रोशनी जी से मिला तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, लेकिन जब मैंने इनकी एक्टिंग देखी, सीरियसली आई एम शॉक्ड, मैं इनका दीवाना हो गया। थैंक यू। धन्यवाद। सूरज जी, आपको कैसे पता चला कि रोशनी जी आने वाली बॉलीवुड की स्टार है? देखिए, जब मैं रोशनी जी से पहली बार मिला तो मैंने सोचा एक्टिंग और टैलेंट है। उसको देखते ही मैंने तुरंत कहा कि कल से आप रिहर्सल पर आ जाइए। हाँ तो भानु जी, आप रोशनी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जब हमारे सूरज जी ने डिसीजन ले ही लिया था तो हमने भी कह दिया था लगाओ शूट, देखते हैं क्या होता है, और हमें भी लगा कि रोशनी जी कर सकती हैं। रोशनी जी में टैलेंट है, रोशनी जी आने वाली स्टार हैं, उन्हें चांस देना चाहिए। तो फिर हमने भी सोचा क्यों ना रोशनी जी को स्टार बना ही दिया जाए। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर बोलिए, कुछ काम था? हाँ कुछ काम था। हाँ सर बताइए। आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? सर कल मॉर्निंग की है। अच्छा, तो एक काम करना, ठीक 9:30 बजे मेरे रूम पर आ जाइए। ठीक है सर, पहुंच जाऊंगी। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो मैंने फोन कर दिया ना तुमको। हाँ। अच्छा बेटा, तुम कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ डैड। अच्छा बेटा, अब तू एक बात बता, तू हर बार बोलती है मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ पापा। मैं कल मॉर्निंग में आ जाऊंगी डैड। क्या, कल का प्रोग्राम है, रिजर्वेशन है? अरे वाह, वेरी गुड, ये हुई ना पक्की बात। अच्छा डैड, एक बात सुनिए ना। क्या? डैड मेरी चांदनी से बात करवा दीजिए ना। अरे चांदनी, ओ चांदनी। हाँ डैड। दी का फोन आया है, आ बेटा जल्दी आ, जल्दी आ। जी डैड, लाइए। बेटा तेरी छोटी बहन आ गई, ले बात कर ले उससे। हैं? लाओ डैड फोन मुझे दो। हेलो दी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बाकी बातें मैं घर आकर करती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है यार, नहा के आती हूँ। मेरी बात करा देना। अच्छा दी, मेरी पापा तुमसे बात करने की कह रहे हैं, बात करिए। बाय बाय। हाँ बेटा, तू कल पक्का आ रही है ना? हाँ 100% आ रही है ना? ठीक है बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।
ओके बाय 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 बाय। चलो अंदर। चलो आइए। रोशनी, आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पार्टी है। नहीं सर, आज मैं नहीं पीऊंगी। ऐसे कैसे जमेगा? ठीक है, पी लेती हूँ, पर आखिरी बार। ये हुई ना बात। थैंक यू। चीयर्स। अभी वह सूरज के बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता है ना, मेरी पेमेंट क्यों नहीं दी? अरे यार, मैंने कब मना किया? अभी दे ना, देता क्यों नहीं है? अभी लाता हूं। रोशनी, ये लो यार, पूरे 50 लाख का है। थैंक यू सर। अब तो खुश हो ना? लेकिन अब आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो। ये आपको पीनी है।
हाय रोशनी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार। पापा कैसे हो? पापा आप? बेटे तुम सोचो तुम्हारे बगैर कितना रोया, तुम्हें बहुत मिस किया बेटे, बहुत मिस किया मेरे बच्चे, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है। ओफो पापा, आप कैसे रो रहे हो बच्चों की तरह? आप टेंशन मत लो बेटा, मैं आ गई हूँ ना। वो ठीक है बेटा, तुम्हें मालूम है ना मैं कितना रोया, कितना रोया, कितना मिस किया तुम्हें। हाय दी। हाय चांदनी, कैसी हो? आई लव यू दी। आई लव यू टू। और सफर कैसा रहा दी? चांदनी। हाँ डैड। बेटा आज ये जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारी वजह से, अगर तुमने नहीं बोला होता दी वहां जाने से बनेगी, मैं इसे कभी अलाउ नहीं करता। चांदनी मेरे बच्चे, लव यू बेटा। थैंक्स डैड। खुश रहो मेरे बच्चों। Excuse me? जी बताइए। मुझे किशन सर से मिलना है। आप वेट कीजिए, मैं कंफर्म करके आती हूँ। ओके। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? सर, I don't know। ठीक है, भेज दो। जी सर। आप जाइए, सर ने बोल दिया है। जी। May I come in, sir? Yes, coming. Please sit down. Thank you, sir. कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा नाम योगी है और हमारी पहले भी बात हो चुकी है सर। अच्छा तो आप हो योगी? जी सर। एक्टिंग क्लासेस की है पहले आपने कभी? 2 years का कोर्स किया है मैंने। कोई डायलॉग बोल सकते हो तुम? श्योर सर, वाई नॉट। ठीक है तो खड़े हो जाओ। ओके सर। रेडी? या एक्शन। कसम है मुझे इस जलती हुई अग्नि की, जिन लोगों ने मेरी बस्ती को जलाया है मैं उनकी चिता जला दूंगा। अगर वो पाताल में भी छुपे होंगे ना तो मैं उन्हें वहां से भी ढूंढ निकालूंगा और उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि उन्हें अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। वेरी गुड, सिट डाउन। ओके सर। देखो योगी, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर इन्वेस्ट तो कितना भी कर देंगे, अगर आप मेन लीड दें तो। ठीक है तो मेन लीड दे देंगे आपको, लेकिन उसके लिए 64 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। ठीक है सर, मैं कर दूंगा, मगर कन्फर्म है ना कि मेन लीड मिल जाएगा? हमने बोल दिया तो हो जाएगा। ठीक है तो सर मैं चलता हूँ, पैसों का अरेंजमेंट करके मैं आता हूँ। एज यू लाइक। थैंक यू सर। May I come in, sir? Yes, coming. Good morning, sir. Good morning, Yogi. बैठो। सर इसमें कैश है। पूरा है? हाँ जी सर, पूरा 64 लाख है। चलो ठीक है। सर कब से आना है मुझे? तुम्हें कब से आना है उसके लिए हमारी एक छोटी सी शर्त,
उसके बाद हम तुम्हें फाइनल डेट बता देंगे। बताइए, अगर मैं कर सकूंगा तो मैं हाँ करूंगा। देखो योगी, केवल पैसे से काम नहीं चलता है, वरना फिर तो कोई भी एक्टर बन जाएगा। तो फिर कैसे काम चलेगा सर? इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है सर, खुल के बताइए। इसके लिए तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। व्हाट? हाँ योगी, अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये रहे आपके पैसे और तुम जा सकते हो। ठीक है सर, आई एम रेडी। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो मेरा कार्ड, इस एड्रेस पर ठीक 9:30 बजे पहुंच जाना। ओके? ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा, चलता हूं। ओके, थैंक यू सर। होके एक इंसान से कंप्रोमाइज की बोलता है साला, अरे ऊपर वाले क्या जमाना आ गया है। मुझे तो लगता है कुछ टाइम बाद लड़के भी बच्चे पैदा करने लगेंगे। चल बेटा योगी, सबसे पहले तू ही बच्चे पैदा कर। अच्छा योगी, अंदर आओ। तुम अंदर जाके कपड़े उतारो, मैं भी आता हूं। ठीक। ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग योगी, और बताओ कैसे हो? सर बेहाल हूँ सर। फिक्र मत करो, छोटी सी प्रॉब्लम है, जल्दी सही हो जाएगी। ओके सर, नहीं कर रहा, मगर ये बताइए
शूट कब से चालू है? 2 दिन बाद शूट है। मैं तुम्हें एड्रेस SMS कर दूंगा, लोकेशन पर पहुंच जाना। थैंक यू सर। टेक केयर। ओह शिट, फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। कोई बात नहीं, वेट करते हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। छोड़ूंगा नहीं मैंने। दिल से जख्मी हूं फिर भी मुझको मुस्कुराना है, मंजिलों को पाना है।